सोमवार को गुर्जर महाकुंभ का आयोजन ग्वालियर के फुलबाग मैदान में किया गया। मंच में कई लोगों ने भड़काऊ बातें कही, उसके बाद अपने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। गुर्जर समाज के लोगों ने जमकर उपद्रव किया। कलेक्टर एसपी ज्ञापन लेने के लिए खड़े रहे। उपद्रवियों ने जम करके पत्थरबाजी, वाहनों की तोड़फोड़ की। उपद्रवों का काबू करने के लिए पुलिस को 200 आंसू गैस के गोले व 50 आवाजी कारतूस दागने पड़े। इस बाबत शिकार पहले सरकारी व अमला फिर आम लोग बने, जिसका मुख्यालय कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग से लेकर के शहर के सड़कों तक आम लोगों की स्तंगों का सामना करना पड़ा। दंगाइयों ने कलेक्टर एसपी कमिश्नर सहित लगभग 200 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। एक बार फिर सुरक्षा बलों के इंटेलिजेंस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे। इससे पहले दलित आंदोलन, सेना भर्ती और मिहिर बोस प्रतिमा विवाद के कारण भी दंगे हो चुके हैं, जिसे पूर्व सूचना इंटेलिजेंस के पास नहीं थी। रात लगभग 2 बजे 17 नामजद 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़, दंगा भड़काने, शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भड़काऊ भाषण देने वालों पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा है। ये जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ये आप ही की है? जी, मेरी है। क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से तोड़फोड़ की? उस समय ये हुआ था कि इन लोगों का जो है सो कोई आंदोलन था, तो भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंच गई, तो मैंने भीड़ निकल गई, तो मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊं। जैसे मैं निकलने को हुआ तो 1000 आदमी आगे खड़े थे, मैंने बैक करने की कोशिश की, 1000 आदमी पीछे खड़े थे, तो मैं बैठा रह गया। तो उधर से आए तो उन्हें दे डंडे, मैं अंदर ही बैठा था। आपके साथ भी मारपीट की उन लोगों ने? हाँ, मैं अंदर ही बैठा था और डंडा मेरे भी लग गए, फिर मैं खिड़की खोल के इधर भाग गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी क्या गलती थी जो इस तरीके से उन्होंने आपकी गाड़ी तोड़ दी और आपके साथ मारपीट की। हाँ, और मैं खिड़की खोल के इधर भाग गया, तब मैं बच पाया, नहीं तो मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। सामने जो सामने पड़ा वो उसको निशाना होना, रुस्तम राजपूत। हाँ, मैं भी मौजूद। क्या हुआ, क्या मामला हुआ? मैं तो काफी अंदर था, वो था उस समय जब सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे सर, वो जो उनके सामने जो भी मिला उसका नुकसान। सरकारी गाड़ी हो, कलेक्टर साहब की गाड़ी फोड़ डाली, कमिश्नर साहब की गाड़ी फोड़ डाली, ऊपर जो बिल्डिंग में जो शीशे थे उनको निशाना लगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तहसीलदार साहब हैं, जो भी गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है उसकी गाड़ी की भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है तहसीलदार साहब की, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त गाड़ी को कर दिया गया है। और ये एक गाड़ी और है, इसको भी तोड़ दिया गया है। और ये जिनकी गाड़ी है, अरे भैया, ये जिनकी जो गाड़ी है, भैया भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कल्लू जाटव। आपकी जो गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी गई, क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई? सर, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों ने वो गोला आंसू घोष गोला फेंका तो जनता भगदड़ मच गई, खंडे फेंके। तो ये गाड़ी जो तोड़ी गई है, इसका तोड़ने का क्या रीजन था? दंगा है वो तो साहब।